हेलो एवरीवन, आज मैं एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि यंग प्रेसिडेंट और उसकी हाउस मेट की लव स्टोरी पर बेस्ड है। तो लेट्स रोल दी इंट्रो। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कार के अंदर अंकल वांग और शेंग युमिंग जो कि हमारा हीरो है वो बैठे होते हैं। अंकल वांग उसे समझा रहे होते हैं कि शेंग यू ग्रुप में अब तुम नए प्रेसिडेंट बनने वाले हो तो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और तुम शेंग यू फैमिली में एक अकेले ही वारिस हो तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता। पर शेंग युमिंग का ध्यान तो कहीं और ही होता है और वो क्लियरली उसे बता देता है कि मुझे इस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि रास्ते पर जा रही होती है कि तभी उसे उसकी आंटी का कॉल आता है। तो उसके हाथ में जो हैंडबैग होता है वो शेंग युमिंग की कार के ऊपर रख कर आंटी से बातें करने लगती है, जहाँ पर उसकी आंटी उसे कहती है कि तुम्हारे पिता हॉस्पिटलाइज है और मैं तुम्हें हर महीने पैसों का याद दिलाती हूँ। देखो, तुम नई का ढंग की नौकरी कर लो ताकि तुम्हारे पिता की फीस भरने में हमें कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर उसकी आंटी की बातों से हमें ऐसा लगता है कि वो ना शायद बहुत ही ज्यादा लालची किस्म की औरत होगी। तो शिया उसे कहती है कि डोंट वरी आंटी, मैं अभी इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ। कि तभी शेंग युमिंग की कार तो निकल पड़ती है। जब शिया देखती है तो वो कार का पीछा करती है। कार के अंदर से ही शेंग युमिंग उसे देख लेता है। तो अंकल वांग उसे कहते हैं कि देखो, अभी तुम बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हो और हैंडसम भी हो तो बहुत सारी लड़कियां तुम्हारा पीछा करेंगी, पर तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो शेंग युमिंग कहता है कि ड्राइवर कार जल्दी से चलाओ, पर शिया कुछ ऐसा करती है कि वो दूसरा रास्ता पकड़कर सीधा कार के सामने आ जाती है। तो ड्राइवर को कार मजबूरन रोकनी पड़ती है। शिया बस अपना बैग लेने ही वाली होती है कि अंदर से शेंग युमिंग नोटों का बंडल लेकर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा देखी है, तो हेजिटेट मत करो और चुपचाप ये पैसे ले लो। और वो बंडल वहीं पर ही नीचे गिरा देता है। शिया अपना बैग लेकर कहती है कि छी, ये कितनी गंदी स्मेल आ रही है, जैसे कि किसी ने मरी हुई मछली खाकर 5 दिन टॉयलेट में बिताए हो। और उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी वाली बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। अंकल वांग का भी चेहरा देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो भी ऐसा ही सोच रहे होंगे कि ये गधा कहीं का समझता ही नहीं कि किसके सामने क्या बोलना है। पर शेंग युमिंग कहता है कि अंकल वांग, ये लड़की कौन थी, उसका पूरा नाम बताओ, हाँ दोबारा मुझे मिले ना तो मैं उसे देख लूंगा। पर आगे कुछ ऐसा होता है कि शिया शेंग युमिंग की ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई होती है और एक्सीडेंटली वो शेंग युमिंग को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि यही नया प्रेसिडेंट है इस कंपनी का। और वो अपने मन में सोचती है कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। तभी ही शिया की बारी आ जाती है और रास्ते में वो शेंग युमिंग से टकरा जाती है, पर शेंग युमिंग उसको पहचान लेता है कि ये तो वही इंसल्ट करने वाली लड़की है। ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिया अपनी आंटी के साथ खाना खा रही होती है। उसकी आंटी उसे पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया, तो शिया उसे कहती है कि ज़्यादा खास नहीं, बहुत ही ज़्यादा बुरा गया। तो उसकी आंटी उसे कहती है कि डोंट वरी, मैंने ना तुम्हारे लिए एक नई जॉब ढूंढ ली है। कि तभी ही वहाँ पर अंकल वांग आ जाते हैं। यहाँ उसकी आंटी तो अंकल वांग का वार्म वेलकम करती है और अंदर चली जाती है। अंकल वांग अकेले में शिया से बातें करने लगते हैं, जहाँ पर वो शिया को कहते हैं कि मेरे पास एक डील है तुम्हारे लिए, तुम्हें हमारे यंग प्रेसिडेंट यानी कि शेंग युमिंग की 1 महीने के लिए हाउसमेड बनना है, प्राइवेट हाउसमेड। ये सुनकर तो शिया उसे कहती है कि चलो यहाँ से निकलो अब। पर अंकल वांग उसे कहते हैं कि देखो, हमें थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। तो शिया उसे कहती है कि मैं उसके साथ 1 महीना तो क्या, 1 सेकंड भी हाउसमेट बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उसका चेहरा ही नहीं देखना चाहती। अंकल वांग उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता अभी हॉस्पिटल में है और उसका खर्चा उठाने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्यों ना तुम मेरी ऑफर को स्वीकार कर लो और उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसे दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यंग मास्टर के लिए
तुमसे बेहतर लड़की और कोई नहीं हो सकती। ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अपने पापा का नाम सुनकर शिया भी मान जाती है और अंकल वांग उसे कहते हैं कि मैं एक अग्रीमेंट लाया हूँ, ये अग्रीमेंट तुम साइन कर लो और ये सबसे सीक्रेट रहेगा। इसके बारे में तुम शेंग युमिंग को भी कुछ नहीं बताओगी। तो शिया कहती है कि हाँ। अगले दिन से ही शिया काम करने के लिए शेंग युमिंग के घर पर चली जाती है और उसे ब्रेकफास्ट देती है। जब शेंग युमिंग देखता है तो वो तो चाय का फुआरा ही उसके मुंह पर छोड़कर कहता है कि शिया तुम यहाँ पर कैसे आई। शिया उसे कहती है कि ये छोड़ना तुम्हारा काम नहीं है। शेंग युमिंग जोर जोर से अंकल वांग को बुलाने लगता है और कहता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। अंकल वांग उसे कहते हैं कि इस लड़की को कंपनी की तरफ से भेजा गया है, अब से ये तुम्हारी हाउसमेड है। तो शेंग युमिंग नखरे करने लगता है। अंकल वांग उसे कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, हमारी कंपनी के एचआर की तरफ से ये भेजी गई है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। शेंग युमिंग उसे कहता है कि इस लड़की को मैं एक मिनट तो क्या एक सेकंड भी झेल नहीं सकता। अंकल वांग उसे कहते हैं कि पर देखो तुम अब भोले मत बनो और इसे चुपचाप झेल लो, क्योंकि अगर ये कोर्ट में गई तो हमारी कंपनी खतरे में आ सकती है, क्योंकि इसने एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब तुम्हें इसे कोऑपरेट करना होगा। अंकल वांग के जाने के बाद शेंग युमिंग कहता है कि ए लड़की तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं। शिया कहती है कि नहीं। तो शेंग युमिंग उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट नीचे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। आगे शेंग युमिंग शिया को परेशान करने के लिए उसके ऊपर फुटबॉल से एक के बाद एक वार करने लगता है और शिया चुपचाप उसके वार को सह कर लेती है। कभी उसके माथे पर चोट लगती है तो कभी पेट पर तो कभी घुटने पर वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उस चोट को सहन कर लेती है, सिर्फ और सिर्फ उसके पापा की वजह से। उसके बाद शिया नहा रही होती है और शेंग युमिंग को गालियां दे रही होती है कि तभी वो देखती है कि पानी तो नहीं आ रहा और उसे पता चल जाता है कि ये काम किसी और का नहीं पर शेंग युमिंग का ही है और वो जोर से चिल्ला देती है कि कमीने कहीं के इंसान में तुम्हें देख लूंगी। और नीचे आकर वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो शेंग युमिंग उस पर चिल्ला कर कहता है कि तुम्हें इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से निकलो ना, वैसे भी मैंने तुम्हें कौन सा यहाँ पर रखा है। शिया उसे कहती है कि गंदे कुत्ते तू देख लेना मैं क्या करती। शेंग युमिंग उसे कहता है कि जरा फिर से बोलना। तो शिया उसे कहती है कि शेंग युमिंग जरा मर्द बनो, ऐसे छोटे बच्चों की तरह लड़ाई करना बंद करो और मुझे आगे से परेशान मत करना। शेंग युमिंग उसे कहता है कि मेरी नजरें तुम पर ही टिकी है, देख लेना मैं तो तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही छोड़ूंगा। शिया के जाने के बाद शेंग युमिंग अपने आप से कहता है कि अब तू देख शिया मैं क्या करता हूँ। रात के टाइम पर शिया भी शेंग युमिंग को परेशान करने के लिए अलग अलग पैतरों को ढूंढ रही होती है कि तभी उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि सुयाव का कॉल आता है। सुयाव के बारे में मैं कहूँ तो वो बहुत ही ज्यादा रिच है और वो इस मूवी की हीरोइन की फ्रेंड है। शिया उसे कहती है कि मैं जिस जगह पर काम करने के लिए आई हूँ ना, उसका मास्टर तो बहुत ही ज्यादा बेकार है और बकवास है। वो गालियाँ तो देती है शेंग युमिंग को, पर उसके साथ वो पूरी दुनिया के जानवरों का नाम लेकर उसकी बुराइयाँ करने लगती है। सुया उसे कहती है कि वैसे तुम्हारे पापा कैसे हैं। तो शिया उसे कहती है कि वो ठीक है, पर तुम मुझे अपनी शादी के बारे में बताओ। तो सुया उसे कहती है कि मुझे नहीं करनी शादी, वैसे भी मैं उसे प्यार तो नहीं करती, पर मेरी फैमिली की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। सुया उसे कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो मुझे बताना, क्यों ना हम ऐसा करें कि मेरी जगह पर तुम मेरे मंगेतर से शादी कर लो। तो शिया उसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं कर सकती। सुया उसे कहती है कि कोई बात नहीं। फोन कट हो जाने के बाद हम चियान शुयाव का असली चेहरा देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। अगले दिन अंकल वांग अपने ही साथ किसी अपने जैसे बुड्ढे को लेकर आते हैं जिसका नाम होता है अंकल लियू और वो शेंग युमिंग को कहते हैं कि देखो शेंग युमिंग, आज से ये कंपनी के बारे में तुम्हें सारी जानकारियाँ देंगे और तुम्हें एक अच्छा प्रेसिडेंट बनाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे और आज से ये तुम्हें ट्रेन भी करेंगे। फिर वो युमिंग का गेटअप चेंज करने के लिए डिजाइनर जेसी के पास लाते हैं और कहते हैं कि इसको इस तरह से तैयार करो जिससे वो फ्यूचर प्रेसिडेंट की तरह दिखे। थोड़ी देर के बाद युमिंग भी तैयार होकर आता है। अंकल वांग और शिया देखकर चौंक जाते हैं, पर शिया कहती है कि वाव तुम तो कितने अच्छे लग रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि अंकल यू समझा रहे होते हैं कि तुम्हें कंपनी में कैसे काम करना है। शिया उन सारी बातों को नोट कर रही होती है, पर
युमिंग का ध्यान तो टेम्पल रन गेम खेलने में होता है। शिया जब देखती है तो वो कहती है कि अंकल यू ये तो गेम खेल रहा है। तो शेंग युमिंग का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है कि साली पंदरियासी देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, तू बस घर आए एक बार। तभी ही वहाँ पर अंकल वांग आ जाते हैं और सारा मामला संभाल लेते हैं। घर में शेंग युमिंग नहा कर बाहर आया होता है और तभी ही शिया वहाँ पर चाय लेकर आती है। तो शेंग युमिंग उसे कहता है कि मेरी बैग को पोंछने में मेरी मदद करो। तो शिया चुपचाप काम करने लगती है, पर साथ ही में मन में वो उसकी तारीफ करती है कि तभी ही शेंग युमिंग उसको बेड पर गिरा देता है। शेंग युमिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं इस बार तो सीरियस हूँ। वो उसे किस करने ही वाला होता है तो शिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर शेंग युमिंग हंस पड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसी लड़की को पसंद करूँगा, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं तुम जैसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, भूल जाओ। शिया गुस्सा होकर कुछ भी नहीं बोल पाती और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यहाँ पर शेंग युमिंग को तो उसको चिढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। नीचे आकर शिया अपने आप से कहती है कि ये मुझे क्या हो गया था, क्या मैं उस गधे को पसंद करने लगी हूँ। एक मिनट जरा रुको, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ शेंग युमिंग भी कहता है कि वो काफी ज्यादा क्यूट थी। सारी बातों को भूलकर शिया फिर से अपना काम करने लगती है और तभी उसे डिजाइनर जेसी का कॉल आता है और वो उसे अपनी जगह पर बुलाती है। शिया उसे पूछती है कि क्या कोई जरूरी काम है, पर डिजाइनर जेसी उसे कुछ नहीं बोलती और कहती है कि बस तुम यहाँ पर आ जाओ। शिया भी वैसा ही करती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि शेंग युमिंग ने उसे कहा है कि तुम्हारा गेटअप चेंज किया जाए। तो शिया बहुत सारे कपड़ों को ट्राई करती है और उन सब में से एक को पसंद करती है। वो अपना नया लुक शेंग युमिंग को दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और वो उसके पास चली जाती है। शेंग युमिंग अकेला नहीं होता, पर वो अपनी मंगेतर सुयाव के साथ होता है, जो कि शिया की ही बेस्ट फ्रेंड होती है। सुयाव शिया को युमिंग के इतने क्लोज देखकर चल जाती है और वहाँ पर मतलब कि युमिंग के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। शिया को पता चल जाता है कि ये तो पहले से ही इंगेज्ड है और वो काम का बहाना मार कर वहाँ से जाने लगती है। शेंग युमिंग उसके पीछे जाने वाला होता है, पर सुयाव उसे रोक लेती है। सुयाव उसे कहती है कि भूलो मत, तुम मेरे मंगेतर हो, क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। शेंग युमिंग कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। शेंग युमिंग के जाने के बाद सुयाव कहती है कि मैं तुम्हें किसी को भी छीनने नहीं दूंगी क्योंकि तुम मेरे हो। दूसरी तरफ शिया बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है और कहती है कि वो सही थी, उसके पास तो पहले से ही मंगेतर है, पर फिर भी मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है कि तभी उसे शेंग युमिंग का कॉल आता है। शिया उसे कहती है कि मुझे क्यों कॉल किया, तुम्हारे पास तुम्हारी मंगेतर नहीं है, आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ, तुम मुझे घर से थक्के मार कर बाहर निकालना चाहते थे ना, तो रुको मैं ही रिजाइन कर लेती हूँ। इतना कहते ही वो कॉल को कट कर देती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है कि तभी उसे आंटी का कॉल आता है। उसकी आंटी उसे कहती है कि क्या तुम रिजाइन कर रही हो, तुम्हें अकल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, तुम्हारे पिता अभी हॉस्पिटल में हैं, इसका खर्चा कौन उठाएगा, बताओ तुम मुझे। बस यही सुनना बाकी था और शिया झट से मान जाती है और सीधा घर पर आकर कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। पर शेंग युमिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से क्योंकि तुम अब रिजाइंड हो। शिया उसके पास जाकर कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दो और हाँ आगे से मैं तुम्हारा हर एक का शब्द मानूंगी। शेंग युमिंग कहता है कि ओह ऐसा है क्या, और उसे खींच कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि जरा अपने दिमाग को ठीक से साफ कर लो। अंदर शिया कहती है कि प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दो क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है, पर फिर वो आगे बढ़ती है तो उसे एक टॉर्च नज़र आ जाती है। वो टॉर्च को लेकर वहाँ पर पड़े सामान को देखती है जो कि शेंग युमिंग का होता है और उसे पता चलता है कि शेंग युमिंग को म्यूजिक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसने बहुत सारे अवार्ड्स और ट्रॉफियाँ जीती होती है। और शिया अपने मन में सोचती है कि उसने अपने सपने को क्यों छोड़ दिया, पैसे वाले होना इतना बुरा क्यों है, इससे अच्छा तो मैं गरीब ही अच्छी हूँ। तभी ही बारिश और बिजली एक साथ गिरना स्टार्ट हो जाती है तो शिया डर जाती है और गिटार को गले लगा कर वहीं पर ही सो जाती है। सुबह सुबह शेंग युमिंग आकर देखता है तो उसका सारा सामान बिखरा होता है, तो वो चिल्ला कर कहता है कि तुमने मेरे सामान को टच क्यों किया, पर शिया तो कुछ भी नहीं बोलती,
तो वो शिया को चेक करता है तो उसे तो फीवर हो गया होता है। शेंग युमिंग शिया को उठाकर अपने बेड पर सुलाता है और उसकी काफी ज्यादा केयर करता है। वो डॉक्टर को भी बुला सकता था पर वेल ये तो मूवी है, कुछ भी हो सकता है। शिया सोते सोते ही बड़बड़ा रही होती है कि भले ही सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए पर मैं तुम्हारा साथ दूंगी शेंग युमिंग, और शेंग युमिंग भी ये सुनता है। युमिंग बस जाने ही वाला होता है पर शिया उसके हाथ को पकड़ लेती है तो युमिंग गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद शिया की नींद खुल जाती है और देखती है कि युमिंग तो मेरे बाजू में ही सो रहा है, तो ये देखकर वो डर जाती है और सीधा एक लात युमिंग को मारकर बेड से गिरा देती है और वो युमिंग को कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। युमिंग उसे कहता है कि जरा सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे आया। शिया भी अपना बहुत ही तेज दिमाग लगाती है एंड कहती है कि मैं वहीं पर बेहोश हो गई थी और मुझे फीवर हो गया था तो तुम मुझे उठाकर यहाँ पर लाए और तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। तुम कैसे इंसान हो, एक नंबर के जानवर हो तुम। शेंग युमिंग उसे कहता है कि जरा फिर से बोलना, तो देखो लड़की मैंने तुम्हारी मदद की है और जहाँ तक फायदा उठाने की बात है तो मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दिखने से तो तुम ठीक ही लग रही हो तो क्यों ना तुम खाना बनाने चली जाओ। शिया बस जाने ही वाली होती है पर फिर वो कहती है कि तुम्हें म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, तो आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी और चलो मेरे साथ। वो शेंग युमिंग को रेलवे स्टेशन पर लाती है और कहती है कि तुम ना मेट्रो पर कभी नहीं बैठे तो क्यों ना आज इसको पहली बार ट्राई किया जाए। पहले तो शेंग युमिंग को मेट्रो की सवारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पर फिर उतरने के बाद उसे कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। शिया उसको खाने के लिए ले जाती है, वो उसे टोफू की एक डिश खिलाने वाली होती है पर उसकी स्मेल से शेंग युमिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और कहता है कि क्या हमें इसे खाना चाहिए, ये खाने के लायक है भी या नहीं। पर शिया कहती है कि अरे एक बार टेस्ट तो करो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ज़बरदस्ती उसे थोड़ा तो खिला ही देती है। शेंग युमिंग जब उसको टेस्ट करता है तो उसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और एक के बाद एक वो खाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि रास्ते पर गिटार लेकर छल्ला की लबदा फिरे गाना गा रहा होता है और वहाँ से शिया और शेंग युमिंग गुजर रहे होते हैं। शिया उस बंदे के पास जाकर कहती है कि क्या मैं आपका गिटार थोड़े वक्त के लिए उधार पर ले सकती हूँ, तो वो बंदा मान जाता है। शिया उस गिटार को लेकर शेंग युमिंग के पास आती है और कहती है कि लो इसे बचाओ और मेरे लिए एक प्यारा सा गाना गाओ। शेंग युमिंग उसके लिए गाना गाता है जो कि शिया उस गाने को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती है। अब उन दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई होती है तो फिर ये दोनों किस करते हैं और दूर से ही इन दोनों की फ़ोटो कोई खींच रहा होता है। अगले दिन शिया ने शेंग युमिंग के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बनाया होता है। शेंग युमिंग भी वहाँ पर आ जाता है पर वो टेस्ट बस करने ही वाला होता है कि तभी शिया को उसकी आंटी का कॉल आ जाता है। आंटी उसे बताती है कि तुम्हारे पापा की मौत हो गई है, तो ये सुनकर शिया शॉक हो जाती है पर कहती है कि रुको ज़रा आप, मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। शेंग युमिंग उसे कहता है कि क्या कुछ हुआ है, तो शिया उसे कहती है कि नहीं तुम खाओ मैं अभी जल्दी वापस आती हूँ। हॉस्पिटल आकर शिया को पता चलता है कि उसके पापा तो बिल्कुल ठीक ही है, बस उसकी आंटी ने एक झूठ बोला होता है कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है सुयाव की। सुया उसे वही वाला अग्रीमेंट दिखा कर कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, तुम ना पैसों की वजह से ही युमिंग के साथ थी, तो उसके बदले में मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दे सकती हूँ, बस तुम युमिंग की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। शिया उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे प्यार करती हूँ। सुया उसे कहती है कि जब उसे पता चलेगा कि तुम उसके साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से ही हो तो उसे कैसा लगेगा, और देखो मैं तुम्हारे पापा का पूरा पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, बस उसके बदले में तुम्हें क्या करना है, शेंग युमिंग को छोड़ना ही तो है। पापा का नाम आते ही शिया मान जाती है और कहती है कि मैं शेंग युमिंग से ब्रेकअप कर लेती हूँ, तो सुया उसे कहती है कि अच्छा है ठीक है और क्रेडिट कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। घर पर शेंग युमिंग शिया का कॉल ट्राई कर रहा होता है पर शिया कॉल नहीं उठा रही होती है कि तभी वहाँ पर सुया आ जाती है। सुया उसे कहती है कि वो जा चुकी है और उसे वही वाला अग्रीमेंट दिखा कर कहती है कि देखो ज़रा वो तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों की ही वजह से थी, ना कि वो तुमसे कोई प्यार करती थी। शेंग युमिंग उस अग्रीमेंट को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि अंकल वांग ने उसे झूठ बोला था। ये बातें सारी क्लियर करने के लिए वो शिया को कॉल लगाता है पर शिया उसका कॉल पिक नहीं करती, तो सुया उसे कहती है कि ज़रा रुको मैं उसे कॉल लगाती हूँ, तो इस बार शिया सुयाव का कॉल उठा लेती है
और झट से शेंग युमिंग उसका कॉल झटक कर कहता है कि शिया तुम मुझे छोड़कर कहाँ गई हो, तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान था। शिया दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और वैसे भी तुम जैसा इंसान एक प्ले बॉय मेरे प्यार को डिजर्व नहीं करता, और वो कॉल को कट कर देती है और काफ़ी ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ ये सुनकर शेंग युमिंग भी बहुत ही ज़्यादा रोता है, पर सुया उसे कहती है कि जो होना था हो गया, अब मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूँ, और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। रात के टाइम पर सुयाव का हम असली चेहरा देखते हैं जो कि अपने पापा से बात कर रही होती है और कहती है कि शेंग युमिंग तो बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर है और वो तो कंपनी संभाल ही नहीं पाएगा, उसके पापा भी बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हैं, तो शादी के बाद पूरी कंपनी तो मेरी ही होगी। और पीछे से अंकल वांग भी उसकी बातों को सुन लेते हैं और उसे डांटते हैं, पर फिर उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मुझसे वादा करो। तो सुयाव भी मान जाती है और उसे माफ़ी मांगने लगती है, पर फिर वो क्या करती है कि अपनी गाड़ी लेकर अंकल वांग को ठोक देती है। अंकल वांग वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हम एक महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों खाना खाने के लिए आए होते हैं और उसी होटल में वेटर का काम शिया कर रही होती है। शेंग युमिंग भी शिया को देखता है पर फिर वो अपना मुंह नीचे कर लेता है। सुयाव ऑर्डर देती है पर फिर वो थोड़े पैसों का बंडल लेकर कहती है कि ये लो, ये मेरी तरफ से टिप है, पर शिया उसे मना कर देती है। बाहर आकर शिया बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है कि तभी वहाँ पर सुयाव आ जाती है और अपनी शादी का कार्ड देकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात के टाइम पर शेंग युमिंग को अंकल वांग का कॉल आता है, पर क्या बातें होती है वो हमें नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट सीन में हम सीधा शादी का दिन देखते हैं जहाँ पर इन दोनों की शादी हो रही होती है। प्रिस्ट उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों शादी के लिए रेडी हो, तो सुयाव हाँ कह देती है, पर शेंग युमिंग कहता है कि नहीं। कि तभी ही अंकल वांग की जबरदस्त वाली एंट्री होती है और वो सारा भांडा फोड़ देते हैं। सुयाव उसे देख कर कहती है कि पर डॉक्टर ने तो बताया था ना कि ये तो कभी कोमा से निकलेंगे ही नहीं। पर फिर शेंग युमिंग कहता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अंकल वांग कहते हैं कि अच्छा तो तुम जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, और फिर शुयाव तो बस युमिंग युमिंग कहते चिल्लाती रहती है। आगे हम देखते हैं कि शेंग युमिंग शिया को ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, वो सारी उस जगह पर जाता है जो कि पहले वो शिया के साथ गया था। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं पर शिया उसको नहीं मिलती। शेंग युमिंग एक म्यूजिक चैरिटी कॉन्सर्ट रखता है जहाँ पर सारे लोग आए होते हैं। वो सभी लोगों को बताता है कि ये म्यूजिक कॉन्सर्ट मैं एक खास पर्सन के लिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, मैं उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसने ही मुझे मेरे सपनों के पीछे भागने को कहा है, तो इस पर मैं ऑनगोइंग सॉन्ग गा रहा हूँ और ये सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ शिया तुम्हारे लिए है। वो गाना स्टार्ट करता है, भीड़ में शिया भी उस गाने को सुन रही होती है जो कि उन दोनों पर ही बेस्ड था। ये सुनकर शिया रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। दूर से शेंग युमिंग भी उसे देख लेता है तो वो उसका पीछा करता है। शिया को वो रोक कर कहता है कि रुक जाओ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो शिया हाँ कह देती है। ऐसे ही प्यारे सीन के साथ ये मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही खत्म होती है। और हाँ गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अन्योंग।